सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम फिर से एक और हमारा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट जो होती है उसका ट्यूटोरियल करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस वेबसाइट से कि आप अपना सॉन्ग कैसे चढ़ा सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों राउट नोट। तो अब मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज मिस कर दोगे तो अगर आपका एक ऑप्शन भी इसमें मिस रह जाता है तो आपका सॉन्ग अपलोड नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको बता दूं आगे भी और भी वीडियोज ऐसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आएंगी और आती ही रहेंगी, क्योंकि मेरा काम है आपके लिए वीडियोस बनाना। तो इस वीडियो को भी जरूर से ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशंस बताए हैं स्टेप बाय स्टेप वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। और मैं सभी वेबसाइट्स को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप करके सारे ट्यूटोरियल, चाहे वो आपकी कोई भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वाली जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ये अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अधिकतर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पास पीसी या लैपटॉप नहीं होता है, तो उनको जो अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने मोबाइल से ही करना होता है। तो मोबाइल से इसलिए मैंने इसलिए किया है, तो अपना आप मोबाइल जो है इसको थोड़ा रोटेट कर ले, क्योंकि मैंने जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो मैंने इसको थोड़ा डेस्कटॉप साइड में रिकॉर्ड किया है जैसे कि मैंने डिट्टो वाला किया था। तो बिल्कुल उसी की तरह आप इसको रोटेट कर ले, और रोटेट करने के बाद आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको मोबाइल से ही आपको बताया है। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि ऐसे म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आप अपनी सारी डिटेल्स वीडियोस की वहाँ पर देता रहता हूँ। और डीएम करके अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो वे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्यू एंड ए वीडियो में जल्दी ही ला दूंगा अगर आप इसकी डिमांड करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस जब आप अपनी राउट नोट आईडी जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पर आपको बता दूं अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर की साइड, यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू रिलीज पर जाना है और इस पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी आपको जो अगला स्टेप होगा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस पर जो पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है उस पर आपको क्या करना है। दोस्तों पहला ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर यूपीसी और ईएन। यूपीसी और ईएन दोस्तों ये कोड्स होते हैं जो कभी आपने अपना म्यूजिक जो है वो यहाँ से किसी भी वेबसाइट से जो डिस्ट्रीब्यूट किया हो उसके बाद में आपके एक म्यूजिक का आपको कोड मिलता है जिसका नाम होता है यूपीसी ईएन और आईएसएमआरसी कोड। तो दोस्तों ये कोड्स आपको जब भी मिलते हैं जब आपने कोई अपना जो सॉन्ग है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत इससे नहीं होती है, चाहे आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पे आपके कितने ही अकाउंट क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपका अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपका है तो इसको यहाँ पर फिल कर दें तो ठीक है। उसके बाद में मैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको रिलीज टाइटल जो भी आपका यहाँ पर टाइटल है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई फिलहाल सॉन्ग अपलोडिंग के लिए नहीं है, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में आपको बिल्कुल यही चीज़ अपने सॉन्ग के साथ करनी है, उसके बाद में आपका सॉन्ग जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना इसका नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना डालना होगा एल्बम की डिटेल्स और उसके बाद में अपना आर्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पर हम एल्बम की डिटेल्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद में कुछ आपको स्टेप्स हैं वे फॉलो करने पड़ेंगे। तो एल्बम की डिटेल्स पर हम अपनी सबसे पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज का ऑप्शन है यहाँ पर हम इसको अपनी हिंदी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर जो भी जिस लैंग्वेज में आपका गाना है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके जो नीचे टाइटल का नेम है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। और एल्बम का अगर वर्जन डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहेगा कंप्लीशन एल्बम, यानी कि जो आपकी एल्बम है वो सीरीज़ में है या नहीं है। यहाँ पर आप अपना अपने हिसाब से अपने आपके सॉन्ग के हिसाब से जिस हिसाब से आपका सॉन्ग है उस हिसाब से इसको यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिस्ट के नेम पर यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं, जिसने जिसका सॉन्ग है उसका नेम ही यहाँ पर मांगा जाएगा। उसके बाद में हम इसको जो है वो ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको एक और आर्टिस्ट का नाम डालना है तो आप यहाँ पर वो भी एड आर्टिस्ट पर जाकर इसको डाल सकते हैं। उसके बाद पर यहाँ पर आपको यहाँ पर प्राइमरी जनरल अपना सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो सॉन्ग है वो किस जनरल पर बेस है, तो आपका जो जनरल होगा उसी को यहाँ पर आपको जो है वो सेलेक्ट कर देना होगा। यानी कि अगर आपका हिप हॉप है तो आपको हिप हॉप रैप को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सेकेंडरी जनरल पर भी आपको कुछ ना कुछ सेलेक्ट जरूर करना होगा।
तो यहाँ पर आपका जो सेकंड जनर है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डांस पर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद पर जो हमारा सॉन्ग कब रिलीज हुआ है यानी कि जो कॉपीराइट है उसकी डेट है वो क्या है, यहाँ पर आपको अपनी कॉपीराइट का जो वो है कंपोजिशन वो यहाँ पर डाल देना होगा। कंपोजिशन में आप जो है वो यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं क्योंकि ईयर तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट, यहाँ पर साउंड किसके यहाँ या किसके स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसको अपना नाम ही डाल देता हूँ, लेकिन आपका जहाँ साउंड रिकॉर्ड हुआ है ये जो अगर आप नहीं किया है तो आप इस पर अपना नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रिकॉर्ड लेबल नेम, रिकॉर्ड लेबल नेम वो होता है या तो जिसके अंडर में या फिर जिसके चैनल पर लेबल पर अपलोड हो रहा है उसका नेम यहाँ आपको उसको डाल देना होगा। मैं यहाँ पर भी अपना ही नेम डाल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लिख के यहाँ पर डालकर बता देता हूँ। उसके बाद में हमारा नीचे की साइड जो यहाँ पर आएगा ओरिजिनल रिलीज यानी कि आपका जो सॉन्ग पर डेट होगी ओरिजिनल रिलीज की वो क्या होगी, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर देनी होगी। यहाँ पर जो हम अपनी डेट सेलेक्ट कर देते हैं वो यहाँ पर हमारा 13 जून सेलेक्ट हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में प्री ऑर्डर डेट, सेल्स स्टार्ट डेट, ये डेट्स भी आपको अगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं वरना इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में एक्सप्लिसिट कंटेंट, इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा ये एक्सप्लिसिट कंटेंट है या नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं एक्सप्लिसिट आपका है सॉन्ग या नहीं है। मैं यहाँ पर इसको नॉन एक्सप्लिसिट कर देता हूँ। उसके बाद में हम इसको आगे जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे जो एल्बम की डिटेल्स थी वो यहाँ पर हमारी फिल हो चुकी हैं। स्टेप वन हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिर आपको स्टेप टू करना है, स्टेप थ्री करना है, स्टेप फोर, स्टेप फाइव। अब हम इसको बाद में जाएंगे यहाँ पर ऐड ऑडियो, यहाँ पर जो आपकी ऑडियो है इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे ऐड ऑडियो के ऑप्शन पर तो यहाँ पर जो अपनी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रैक का नेम डालना होगा, जो भी आपका ट्रैक का नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा यानी कि टाइटल एक तरीके से यही मान लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल पर या ऐड ट्रैक पर आपको कर देना है। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर जाऊँगा और जो मेरे अंदर फ़ोन के अंदर जो मेरी फाइल पड़ी होगी उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, तो वो मैं एकदम से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यही करना है, जो आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ जो मैंने अपनी फ़ाइल कन्वर्ट की हुई है, मैंने यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो आपकी इसकी क्वालिटी होनी चाहिए ऑडियो की वो हाई क्वालिटी MP3 में 320 kbps 441 khz में आपका जो है फॉर्मेट होना चाहिए। हाई क्वालिटी फ्लैग के अंदर आपका फॉर्मेट होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर मेरी जो है वो MP3 में है और इसका जो kbps का वो इसका हाई क्वालिटी रेशियो है वो भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरी ऑडियो फाइल जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुई है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने बिल्कुल इसके हिसाब से जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पर अब मेरी फाइल तो अपलोड होगी नहीं, तो मैं इसको दूसरा स्टेप इसका कर लेता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर इसको मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि यहाँ पर मेरी फाइल जो है वो अपलोड तो यहाँ पर हो नहीं पाएगी। अब उसके बाद में हम इसको बैक पर जाएंगे, मैं आपको और ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो इस टाइम ऑडियो फाइल है उसका फॉर्मेट ये नहीं है। तो हम तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे ऐड आर्टवर्क, ऐड आर्टवर्क पर हम जैसे ही जाएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो सॉन्ग का पोस्टर है जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है उसका साइज होना चाहिए यहाँ पर 3000 pixels into 3000 pixels यानी कि जो आपका इमेज का साइज है वो यही पिक्सल्स में आपका होना चाहिए और वो लेस देन 25 MB यानी कि आपका 25 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अपना जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अपना जो अपना पोस्टर हमने क्रिएट किया हुआ है इसके लिए। तो उसके लिए आपको अपनी जहाँ पर भी आपका पोस्टर है उस फोल्डर पर चले जाना होगा, चाहे आपका गैलरी में हो चाहे आपका मोबाइल में हो, तो आपको वहाँ जाकर अपना पोस्टर जो है वो सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना होगा। मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये वही बता रहा है कि आपकी जो डायमेंशंस है यानी कि मैंने इसके हिसाब से अगर फ़ोटो नहीं बनाया तो यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसके बाद में भी आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, आपको उस पर भी क्लिक कर देना है। मेरा इसके हिसाब से पोस्टर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर इसको ये मेरा डायमेंशन गलत बता दे रहा है, मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। लेकिन आपको इसी के हिसाब से इसकी डायमेंशन भी रखनी है और जो भी है आपको वो इसी के हिसाब से रखना है, आपको इंस्ट्रक्शन आप एक बार इसके पढ़ लें। उसके बाद हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद में हम इसका अपना फोर्थ ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। फोर्थ ऑप्शन पर आपको लिखना है यहाँ पर मैनेज स्टोर्स पर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने स्टोर सेलेक्ट करने होंगे। स्टोर्स आपको क्या सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं आपको जिस स्टोर्स पर अपना सॉन्ग अपलोड करवाना है। तो अब यहाँ पर आपको जो भी आप
अपना मतलब इंस्टाग्राम पर हो और फेसबुक पर हो तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, और आपको जोन से भी स्टोर जैसे यहाँ पर यूट्यूब म्यूजिक पर टिक लगा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर टिकटॉक पर करना है टिकटॉक पर अपलोड लगा देना है। यहाँ पर आपको जो जो स्टोर चाहिए उनको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको iTunes पर चाहिए, Amazon Music पर चाहिए, जो भी आपको करना होगा। अगर आपको सभी पर चाहिए तो आप सेलेक्ट और स्टोर्स पर भी कर सकते हैं क्लिक। इसको करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी टेरिटरीज अगर सेलेक्ट करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और इसके बाद में आपका सॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड ऑडियो मेरी नहीं हो पाई है क्योंकि उस वाले फॉर्मेट में नहीं थी जो जिस फॉर्मेट में इसको चाहिए, और ऐड आर्ट वर्क भी मेरा उस फॉर्मेट उस पिक्सल्स में नहीं था जो कि इसके हिसाब से मुझसे मांग रहा था। मैंने आपको चारों ऑप्शंस बता दिए इनका क्या क्या यूज़ और कैसे कैसे फिल होंगे। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड नहीं हुआ है क्योंकि सेकंड वाले में मेरा फॉर्मेट सही नहीं था, थर्ड वाले में मेरा आर्टवर्क जो था वो इसके हिसाब से पिक्सल्स में नहीं था, फोर्थ वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपका फिफ्थ ऑप्शन जब आपके चारों ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे नहीं हुए हैं लेकिन अगर चारों के सामने टिक लगा हुआ आ जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट योर म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका या तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ऊपर की साइड या फिर आपका नीचे की साइड ऑप्शन आएगा कि डिस्ट्रीब्यूट। तो जब ऐसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सॉन्ग जो है वो सभी स्टोर्स पर आपको डेट दे दी जाएगी कि आपका सॉन्ग कब अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आपको रिलीज डेट और अपलोडेड पर यहाँ पर आपको डेट्स लिखी हुई आ जाएंगी। तो इसके बाद में आपका जब ऑप्शन आ जाएगा तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद में आपका सॉन्ग जो है वो अपलोड हो जाएगा। सो हे गाइस, आई होप यू जो मैंने आपको ये समझाया वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप वो आपको सारा समझ में आ गया। अगर आप समझ गए होंगे कि इस वाली वेबसाइट से आप अपना सॉन्ग किस तरीके से चढ़ा सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल इसका बताया कि आपको किस ऑप्शन पर क्या फिल करना है जिससे कि आप कोई गलती ना कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आगे भी ऐसी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और यार दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दिया करो यार, वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से होता क्या है, एक तो वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और दूसरा हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स भी आप लोग ही हमारे गेन करवा रहे हैं। हमारी फैमिली आज मतलब होने वाली है 3K की, या 3K की हो ही चुकी है मान लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, तो आगे भी मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में जय हिंद और वंदे मातरम।